दोस्तों मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में CSE का नया जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है PM विश्वकर्मा योजना के बारे में बताने वाला हूं और CSE से कैसे आवेदन होगा करके दिखाने वाला हूं, जिसमें प्रतिदिन आपको 500 रुपये के तौर पर स्टाइपेंड दिया जाएगा और 15,000 टूल किट के फ़ायदा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए PM विश्वकर्मा का साइट खोल लेते हैं। इसके बाद अबाउट स्कीम में जाना है, उसके बाद जो क्राइटेरिया है वो पढ़ लेना है। सबसे पहले किस क्राइटेरिया के अंदर ये आदमी आएंगे, प्लस उनके बाद कैसे करना है इनका जो अवेलेबल का स्कीम है। देखिए पहला स्टेप मोबाइल एंड आधार वेरिफिकेशन है, उसके बाद सेकंड आर्टिसियन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, फिर अप्लाई फॉर स्कीम कंपोनेंट है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, उसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे नो के बटन पे क्लिक कर देना है, नो के बटन पे क्लिक कर देना है। इसका मतलब आपके पहले कोई गवर्नमेंट जॉब पे है नहीं है और कोई लोन लिए है नहीं है। तो आधार में जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर डाल देना है, और आधार नंबर डाल देने के बाद देखिए उस पर OTP चल गया है। OTP चल जाने के बाद यहाँ पर OTP डाल देना है और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। चलिए कंटिन्यू करके दिखा देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे पेज खुल चुका है। यहाँ पे देखिए आधार वेरिफिकेशन और ये है बायोमेट्रिक लेना है, वेरीफाई बायोमेट्रिक। यहाँ पे देखिए मंथरा वर्क नहीं कर रहा है, अभी मॉर्फो वर्क कर रहा है, तो मॉर्फो से आप ये कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो में बने रहें ताकि आपको पता चल रहे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई बायोमेट्रिक पे क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे बायोमेट्रिक आ चुका है, देखिए पर्सनल डिटेल खुल गया है। सेकंड में क्रेडिट सपोर्ट खुलना है, यहाँ पे देखिए मैरिटल स्टेटस डालना है, कैटेगरी डालना है। कैटेगरी डालने के बाद यहाँ पे दिव्यांग है या नहीं पे क्लिक कर लेना है, नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे सेम एड्रेस पे आप काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं तो वो पे यस के क्लिक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उसके बाद माइनॉरिटी पे नो क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली राशन कार्ड फिल हो चुका है, राशन कार्ड नंबर आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट आधार नंबर से फेच कर लिया है, आधार एड्रेस भी फेच कर चुका है। यहाँ पर देखिए स्टेट और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सब डिटेल फिल हो चुके हैं, आधार एड्रेस आ चुका है, वहीं सेम एड्रेस पे क्लिक कर लेना है, यस कर लेना है आपका। जैसे एड्रेस है ग्राम पंचायत में आते हैं तो ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेना है, नहीं आते हैं तो नहीं सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ब्लॉक भरना है और अपना ग्राम पंचायत भर लेना है दोस्तों। ठीक है, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट आता होगा इस योजना के अंतर्गत तो आपको ये लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। चलिए भर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 18 ट्रेड्स हैं जिसके अंडर जो कैटेगरी में आप आते हैं वो क्लिक कर लेना है, वो भर लेना है। जैसे ये टेलर के अंदर आती है तो टेलर इनका फिल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे आई हियर वाई एग्री डिक्लेयर दैट, और क्लिक कर लेना है कि मेरा प्रोफेशन शिशु गुरु शिष्य का ट्रेडिशन मेंटेन करता है। देखिए यहाँ पे प्लीज कॉन्टैक्ट नियरेस्ट CSE फॉर फर्दर गाइडेंस ये बता रहा है दोस्तों। चलिए इसके क्यों बता रहा है मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए लॉगआउट कर लेना है। यहाँ से लॉगआउट कर लेने के बाद देख सकते हैं ये बता रहा है, इसलिए सेव करके फिर से देखते हैं एक बार बग है क्या। यहाँ पे देखिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट नियरेस्ट CST फॉर फर्दर गाइडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे CSE लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं एक बार। आपने जैसे देखा कि मैंने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया और इसमें बता रहा है प्लीज़ कॉन्टैक्ट नियरेस्ट CSE फॉर फर्दर गाइडेंस बता रहा है। तो चलिए देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं। देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाने के बाद देखते हैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एंटायर ग्राम पंचायत प्रधान, तो इसमें अगर आपको पंचायत का नाम शो कर रहा होगा तो वो नहीं बताएगा, जैसे मेरा शो नहीं कर रहा होगा इसीलिए बता रहा है। तो चलिए मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। देख सकते हैं मेरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, जिस कारण बस वो मुझे शो हो रहा है।
तो यही इसका सॉल्यूशन है। यहाँ से पहले आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम देख सकते हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम है, तो आप ये पीएम विश्वकर्मा योजना में आप किसी भी बेनिफिशरी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसे लाभ दिला सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इसका मॉर्फो का आपको आरडी सर्विस के बारे में जानना है तो वीडियो में कमेंट करें ताकि मैं इसका पार्ट टू बना सकूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत इतना सारा एप्लीकेशन हो चुका है 7659। देखिए स्टेज वन में आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट बताएगा ग्राम पंचायत के अंडर से, सेकंड वेरिफिकेशन में डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट होगा, थर्ड में सर्टिफिकेट मिलेगा।